हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज, जैसे कि आपको मालूम है कि फ्लैग डे है, यूएई में फ्लैग डे सेलिब्रेशन किया जाएगा, तो क्लिनिक में यहाँ सुबह से उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। अभी वैसे अपने देखी हुई हैं, तो आइए देखिए, सब लोग बहुत बिजी हैं बाहर उसके लिए। तो आइए चलते हैं, साथ में देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है 3 टीम्स में। एक टीम है जो डॉक्टर की है, डेंटल की है, दूसरी तीसरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। 3 टीम में कंपटीशन चल रहा है। तीनों अपने अपनी तरीके से अपने अपनी डेकोरेशन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है, तो अभी तकरीबन 11:30-12 बजे तक जो है वो फ्लैग को लहराया जाएगा। तो उसकी भी वीडियो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊँगा। तो आइए इंजॉय करिए आप मेरे साथ।
भी हमने देखा स्कूल के बच्चे थे जो वो यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, पहुँचे हुए थे। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया अभी आपने देखा जैसे कि, तो बहुत ही प्यारा डांस किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी वैसे पार्टी चल रही है खाने पीने का, जो सब लोग खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो अब जो झंडा लहराने की रस्म है वो अभी थोड़ी देर बाद होगी, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो आप गाइस मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहें, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसे कि आपने देखा कि आज कैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है फ्लैग डे का। तो अभी एक महीने बाद, टोटल एक महीने बाद दिसंबर में जो नेशनल डे का सेलिब्रेशन होगा, इसी तरह से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये लोग बहुत खुश थे, इसको एज ए फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने नेशनल डे को, फ्लैग डे। इवन कि हम लोग भी यहाँ पे बहुत खुश थे। इतनी खुशी मैं सच में बताऊँ कि मेरे को 15 अगस्त पे नहीं हुई होती जितनी यहाँ पे मेरे को नेशनल डे पे हुई है। लास्ट टाइम नेशनल फ्लैग डे पे और नेशनल डे पे होती है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई। बिकॉज़ मेरे को 15 अगस्त पे जो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा देश था वो डिवाइड हुआ था, लेकिन ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं कोलैबोरेशन के लिए। ये 7 स्टेट्स मिलके एक यूएई बनी थी 1971 में, तो ये लोग उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं और हम लोग डिवाइडेशन के लिए सेलिब्रेशन करते हैं। वाह, इवन कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के प्रति बहुत ही लॉयल हैं। उन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने जो ड्यूटीज़ हैं उसके लिए पूरी लॉयल्टी रखते हैं। और ये लोग अपने जो शेख है, अपना इनका जो इनका रूलर है, उसके प्रति भी बहुत लॉयल हैं ये लोग, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट भी इनकी बहुत हेल्प करती है, वो भी इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। इन लोगों की जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं यहाँ की, और इनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए ये लोग अपनी गवर्नमेंट के प्रति पूरे लॉयल रहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आप यूएई के बारे में और क्या जानना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके नीचे बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।